मैं डॉक्टर अमित शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है और इसके अंतर्गत हम आपसे बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप यानी साझेदारी एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और दो क्लास इसके हो चुके हैं, ये तीसरा क्लास है। तो इसमें भी आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके आप देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, जगदीश तथा मनोज ने एक घास का मैदान 2 वर्षों के लिए भाड़े पर यानी किराए पे लिया। जगदीश ने 16 माह तक 12 भैंसे 4 घंटे प्रतिदिन चराया और मनोज ने शेष समय के लिए 15 गाय 3 घंटे प्रतिदिन चराया। यदि भैंस तथा गाय की चरने की क्षमता समान हो और मनोज ने अपना भाड़ा 225 रुपये दिया हो तो मैदान का कुल भाड़ा क्या है? तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक घास का मैदान रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है। जगदीश कुछ समय के लिए उसे प्रयोग करता है कुछ जानवरों के साथ और मनोज से समय के लिए उसे प्रयोग करता है। तो जितने समय के लिए प्रयोग करते हैं, जितने जानवर उसमें चराते हैं और जितने घंटे के लिए प्रयोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होगा उनके किराए का रेशियो। तो यहाँ पर हम दोनों व्यक्तियों के नाम लिख लेते हैं। पहला व्यक्ति जगदीश है जिसको हम जे से लिख लेते हैं और दूसरा व्यक्ति मनोज है जिसे हम एम से लिख लेते हैं। तो जगदीश ने क्या किया है, 16 माह तक किराया ये चरागाह को यूज किया है और शेष समय के लिए मनोज ने किया है। तो 2 वर्ष के लिए भाड़े पर ये लिया गया था, 16 माह इसने यूज किया है, 2 वर्ष में 24 माह होते हैं तो बचे आपके कितने, 8 माह बच गए। इसका मतलब 8 माह मनोज ने यूज किया, 16 माह जगदीश ने। अच्छा, 16 माह तक जगदीश ने यहाँ पे 12 भैंसे चराई हैं और 4 घंटे रोज चराई हैं, जबकि मनोज ने 8 माह तक जो है 15 गायें चराई हैं लेकिन केवल 3 घंटे के लिए। तो ये समय हो गया, ये आवर्स हो गया, ये 16 माह तक 4 घंटे 12 भैंसे, 8 माह तक 3 घंटे रोज 15 गायें। अच्छा, यहाँ पे भैंस और गाय की जो चरने की कैपेसिटी है वो एक जैसी है, इनमें कोई अंतर नहीं है तो यहाँ से कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अब आप जितना कैलकुलेशन कर सकते हो कर दो। देखिए 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16 ये हो गया, और 3 × 1 = 3 हो गया और 3 × 4 = 12 हो गया। अब यहाँ पे आपका बच गया ये और यहाँ पे आपका बच गया ये, इधर आपका आ गया 15 और इधर आपका आ गया 4 × 16 = 32, यानी 32 रुपये भाड़ा जगदीश देगा तो 15 रुपये मनोज देगा। मनोज ने 225 दिया है तो 225 का रेशियो क्या हो गया, 15 हो गया, जिसका भाड़ा दिया है उसका अनुपात। अब बाय द वे अगर आपसे ये पूछा गया होता कि बताइए जगदीश ने क्या किराया दिया तो आप यहाँ 32 रखते और कैलकुलेट कर लेते, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कि जगदीश ने क्या किराया दिया, आपसे पूछा मैदान का कुल भाड़ा क्या है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, अनुपातिक योग 47 हो जाएगा। 15 से काट दीजिए, यहाँ पे 15 हो गया, 15 × 7 = 105 हो गया, कैरी 10, 15 × 6 = 60, 10 = 70, इसका सही आंसर होगा 705 रुपये, यानी किराए जो मैदान का टोटल किराया था वो 705 रुपये होगा। आपका सही आंसर सी है। तो इस तरह के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं और ये भी एक प्रकार की पार्टनरशिप है कि साझेदारी में घास का मैदान लिया गया है और एक व्यक्ति उसे कुछ समय के लिए, दूसरा कुछ समय के लिए, एक व्यक्ति कुछ जानवरों के साथ, दूसरा कुछ जानवरों के साथ प्रयोग कर रहा है, तो जैसा प्रयोग कर रहे हैं उसी के रेशियो में उसका किराया देंगे। अगला सवाल आप देखेंगे, ए तथा बी किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात पूछा जा रहा है। ए तथा बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात क्या है, जबकि उनके व्यापार में जो टाइम दिया गया है उसमें 12-13 का रिलेशन है और लाभ जो मिला है उसमें 4-3 का रिलेशन है। तो आपको बताना है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने पूंजी लगाई है, कैपिटल जो है उसका रेशियो क्या है। तो ये चीज़ देखिए आपको यहाँ पर क्लियर है कि पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है वो लाभ होता है, पूंजी और समय का गुणनफल जो लाभ है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उनके द्वारा निवेशित पूंजी क्या है, यानी जो पूंजी है ये बराबर हो जाएगी लाभ बटा समय के, पूंजी बराबर लाभ बटा समय के हो जाएगा, आप इसके आधार पर आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है।
जो इनके लाभ हैं वो किस रेशियो में हैं, 4 और 3 के, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। इनके टाइम क्या है, 12 और 13 के रेशियो में, तो ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। इनका एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे तो चाहे 12 × 13 कर दीजिए या गुणा करके रख दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो हम इसको सिंपली, चूंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं या कोप्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम 12 × 13 हो जाएगा। आप गुणा करके लिखोगे तो यहाँ पे आपका 156 आ जाएगा, तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम 12 × 13 हो गया। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 13 × 52 आ गया ऊपर, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 13 × 52, और इधर 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो 12 × 36 हो गया। अब 52 और 36 में क्या संबंध है, वही इनकी पूंजी में रिलेशन होगा। 4 से काट दीजिए, 4 से 52 को काटोगे तो 13 हो जाएगा, और 36 को काटोगे 4 से तो 9 हो जाएगा, यानी 13 और 9 का संबंध होगा। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगर इनकी लाभ में रेशियो दिया था, टाइम में रेशियो दिया था, तो लाभ को टाइम से डिवाइड करके इनके जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते थे। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, आपका सही आंसर सी है। आइए नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं और साधारण से प्रश्न है, लेकिन बस कोशिश ये करिएगा कि कुछ डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं, कुछ डिफरेंट सीखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें एक्स तथा वाई ने क्रमशः 10,000 और 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद एक्स ने अपनी पूंजी को 120% कर दिया, मतलब 100% तो थी ही, 20% उसने बढ़ा दिया, तो प्रेजेंटली 120% हो गई, और वाई ने 20% कम कर दिया, यानी 80% कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9,780 रुपये मिला हो, तो फिर वाई का इसमें हिस्सा क्या है। देखिए, चीज़ों को अगर हम आसान करने पे आएँ तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसने 10,000 रुपये लगाया और इसने 12,000 रुपये, इन दोनों में कोई रेशियो आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, आप 3-3 0 दोनों के काट दीजिए। 10,000 और 12,000 में 5 और 6 का रेशियो है, तो जब 5 और 6 का रेशियो है तो बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट मांगेंगे। यहाँ पे एक्स जो व्यक्ति है वो ये है, और वाई जो व्यक्ति है वो ये है। तो एक्स ने जो पैसा लगाया वो शुरुआत में 500 रुपये लगाया, और वाई ने जो पैसा लगाया वो 600 रुपये लगाया, ठीक है। एक्स ने 500 रुपये लगाया और वाई ने 600 रुपये लगाया, कैसे, 0 0 हमने कैंसिल दोनों के कर दिए, इधर बचा 10 उधर 12, 2 से डिवाइड किया, इधर 5 उधर 6, 5 6 का अनुपात है, तो हमने 500 600 मान लिया। आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, 50 रुपये 60 रुपये भी मान सकते हो, 500 600 हमने मान लिया। 4 महीने तक लगा रहा, 4 महीने तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, 4 महीने तक इसका पैसा ये और इसका पैसा ये लगा रहा, लेकिन 4 महीने के बाद क्या हुआ, 500 रुपये जो इसने लगाया था इसको 120% कर दिया। तो 500 का 120% क्या होगा, वैसे तो 12 × 5 = 60 होता है, 600 होगा, 0 0 काट दीजिए, 600 रुपये इसने अपने निवेश को कर दिया, जो पूंजी लगाई थी, कितने दिन के लिए, शेष समय के लिए। व्यापार 1 साल चला है तो ये बचे हुए महीने 8 हो गए, क्योंकि 4 महीने तो जो लगाया था वो तो लगा ही था, जब 20% बढ़ा दिया, 120% कर दिया, तो रिमेंस टाइम 8 महीने बचा। अच्छा, इसने 600 रुपये लगाए थे और अगले 8 महीने के लिए इसने अपने पैसे को 80% कर दिया, तो 8 × 6 = 48, यानी ये 480 रुपये हो गया रिमेंस टाइम के लिए, यानी 8 माह के लिए। अब यहाँ रेशियो लग जाएगा, ये लिखा क्या है, पूंजी गुणे समय। 500 रुपये 4 महीने, 600 रुपये 8 महीने, क्यों, क्योंकि 120% कर दिया, इसका ये 120% है। 600 रुपये 4 महीने और 480 8 महीने, क्यों, क्योंकि इसका 80% कर दिया। अब आप गुणा कर लीजिए, 4 × 5 = 20, ये 2000 हो गया, और 8 × 6 = 4800 हो गया। इन दोनों को हम इधर देख लेंगे और इन दोनों को यहाँ, तो 6 × 6 = 2400 हो गया ये, और प्लस
इसको गुणा करें 800 8 28 64 4 8 4 32 और 6 38 40। अब इसको इधर जोड़ेंगे तो ये 6 8 00 हो जाएगा और इसको इधर जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो गया और ये 4 हो गया, 8 4 12 2 हो गया, कैरी 1 हुआ, 3 2 5 1 6 हो गया, ये 40 हो गया, 6240 हो गया और ये 6800 हो गया। 00 ख़त्म कर दो, ठीक है, 4 से पहले काट करके देखते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 170 हो जाएगा, है ना, 17 4 68 होता है, 4 से इसको भी काट दो तो 4 1 4 हो गया और 2 4 5 20 और 4 6 24 हो गया। अभी किससे कट जाएगा, देखते हैं किससे कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 धम्मा 170 और नहीं 17 से नहीं कटेगा, 2 से काट के देखते हैं, अच्छा ये 85 हो गया और 2 से इसको काटेंगे तो 2 7 14 और 2 8 16, ठीक है, ये 78 हो गया। अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो 85 और 78 का अनुपात हो गया, यानी 85 रुपये एक्स को मिलेगा तो 78 रुपये वाई को मिलेगा, कोई बात नहीं। टोटल पैसा कितना है, 9780 बटे अनुपातिक योग कर दीजिए, इनको जोड़ लीजिए दोनों, कितने हो जाएंगे, 8 5 13 3 हो गया, कैरी 1 हुआ, 8 7 15 1 16 हो गया, ये हो गया 163। किसका पूछा गया है, वाई का हिस्सा क्या है, यानी सेकेंड वाला व्यक्ति, इसको डिवाइड करेंगे, ये 16 छक्का 96 और 3 5 18, 6 बार कट गया, यहाँ 60 आ गया, 0 6 8 48 8 कैरी हुआ, 4 6 7 42 और 4 ये 46 हो गया, 4680 रुपये। अब ये कठिन जैसा नहीं है, बस हम आपको बहुत ही धैर्य और इत्मीनान से बता रहे हैं, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। एक बार फिर से देखिएगा कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, ये क्रमशः 10,000 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर एक व्यापार शुरू करते हैं, आफ्टर 4 मंथ ए अपनी पूंजी को 120% कर देता है एंड बी जो है यानी एक्स जो है वो 80% कर देता है, साल ख़त्म होता है, व्यापार में लाभ ये होता है, तो बताइए फिर इसमें वाई का हिस्सा क्या है। तो हमने कहा 10,000 12,000 लेके नहीं चलेंगे, उनमें हम पहले रेशियो देखते हैं क्या, तो पता लगा 5 और 6 का अनुपात है, हमने कहा चलो एक ने 500 लगाया एक ने 600 लगाया, तो जो 10 और 12 से रिलेशन है वही तो रिलेशन यहां से भी है, हम केवल 5 और 6 रख सकते थे, 10 12 रख सकते थे, 1,000 1,200 रख सकते, कुछ भी रखे, हमें ये अच्छा लगा तो 500 4 महीने के लिए लगा रहा, 600 4 महीने के लिए, अगले 8 महीने के लिए उसने 20% कम कर दिया और अगले 8 महीने के लिए उसने 20% बढ़ा दिया, तो पूंजी गुणे समय इधर भी पूंजी गुणे समय जोड़ लिया, पूंजी गुणे समय में जो रेशियो निकला और उसके अकॉर्डिंग हमने लाभ का वितरण कर दिया। तो आप इसको फिर से इत्मीनान से समझिएगा, अच्छा लगेगा, और काफ़ी स्टैंडर्ड सवालों में ये है। अगला सवाल है, अजय विजय तथा संजय क्रमशः 2,000 3,000 एवं 4,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस प्लान करते हैं। अच्छा, कारोबार के अंत में जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो क्रमशः 300 रुपये 600 रुपये और 1,000 रुपये का है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर व्यापार में विजय 1 साल तक रहा हो तो फिर ये बताओ कि संजय कितने समय तक व्यापार में रहा। तो यहाँ पे जो लाभ होता है वो हमने आपको कई बार बताया है कि ये पूंजी गुणे समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो पूंजी गुणे समय यानी कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, अजय विजय और संजय, इत्मीनान से इनके सब के नाम लिखोगे, अजय विजय संजय। तो अजय ने क्या लगाया, विजय ने क्या लगाया, संजय ने क्या लगाया, सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखेंगे। अब कैपिटल में 2,000 3,000 4,000 नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, है इंटरेस्टिंग। अगर 2,000 3,000 4,000 लिखोगे तो प्रॉब्लम अपनी बढ़ा लोगे, तो 2 3 4 रुपये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अजय ने कितना समय व्यापार में दिया, आपको नहीं मालूम है तो चलो इसको T1 लिख लेते हैं। विजय ने कितना समय दिया, 12 माह दिया, चूँकि 1 साल दिया, 1 साल का मतलब 12 माह, और 12 माह क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ऑप्शन हमारे माह में है ना। तो अच्छा, ये संजय ने कितना समय दिया, तो T2 समय दिया,
क्योंकि इसका भी नहीं मालूम। तो पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। अब यहाँ जो लाभ हुआ वो 3 रुपये, 6 रुपये और 10 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये और 10 रुपये, 300, 600, 10 नहीं। आप देखिए 300, 600, 1000 नहीं, 3 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये। 2 0 इसके काट दो, 2 इसके काट दो, 2 इसके, समझ रहे हैं? अनुपात में रख रहा हूँ, अमाउंट नहीं रख रहा हूँ। और चूंकि तीनों की पूंजी दी थी, तीनों का लाभ दिया है, तो सब अनुपात उठा के रख दीजिए। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि अगर विजय 12 महीने व्यापार में, मतलब 1 साल रहा, तो फिर संजय कितने दिन रहा? तो आप इसको हल कर लो, ऊपर वाले को छोड़ दो। अगर अजय को पूछता तो फिर इसको इसको और इसको ले लेते, फिर इसको छोड़ देते। तो संजय को पूछा है, हम नीचे वाला ले लेते हैं, यानी T2 निकालना है। जब हमें T2 निकालना है तो 4 और 6 नीचे आ जाएगा, 4 और 6 नीचे आ जाएगा, और 3 × 12 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अच्छा, एक चीज़ और, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है वो सुन ले, जिसको निकालना है उस पर पेन रखो और 45 डिग्री पे चला दो, जो कट गए वो सब नीचे, जो नहीं कटे वो ऊपर। तो कट कौन गए? 6 4 कट गए वो नीचे आ गए, जो नहीं कटे वो सब ऊपर। 6 × 12 हो गया, और ये 2 × 2 = 4 हो गया, 2 से काट दीजिए 5 हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया, 15 माह इसका देखिए बढ़िया सा आंसर आ गया। आपका सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ, 5वां नंबर, काफ़ी अच्छा सा सवाल है, और ऐसे सवालों से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, बस धैर्य के साथ आप देखिए और सीखिए कि कैसे इन्हें हैंडल किया जाता है, कैसे हम इनमें जो है डिजिट को अपने फेवर में करते हैं। नूतन, ललिता तथा नगीना ने 1:4 / 1:5 / 1:6 के रेशियो में पूंजी लगाकर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। 1 वर्ष की समाप्ति से 4 माह पहले ललिता ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 1 वर्ष की समाप्ति से 4 माह पहले ललिता ने आधी पूंजी निकाल ली और नगीना ने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया। यदि केंद्र का वार्षिक लाभ 11,500 रुपये हो तो आपको बताना है कि फिर नूतन का हिस्सा क्या है यहाँ पे। अच्छा, जो आपका लाभ होगा वो आपको कन्फर्म में है कि लाभ 2 चीज़ों से गवर्न होगा, और वो आपका पूंजी और समय का गुणनफल है। तो लाभ पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है, कितने रुपए लगाया और कितने समय के लिए लगाया। यहाँ पे जो पूंजी लगी हुई है वो एक फ्रैक्शन रेशियो में दिखाई गई है, इसको हम पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे ताकि कैलकुलेशन अच्छा हो जाए। तो नूतन, ललिता और नगीना, इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो क्रमशः 1:4, 1:5 और 1:6। इनको हम पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो इनके द्वारा लगाई गई पूंजी है वो 15, 12 और 10 के रेशियो में है। अब यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। ये देखिए, अब ये नहीं कहेंगे कि 1:4, 1:5, 1:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब ये बोलेंगे कि इसने 15 रुपये लगाया नूतन ने, ललिता ने 12 रुपये, नगीना ने 10 रुपये। अब सबके नाम लिख लेते हैं। तो देखिए, एक काम करते हैं, नूतन लिख लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। नूतन ये हो गया, दूसरा नाम ललिता है वो ये हो गया, और तीसरा नाम नगीना है वो ये हो गया। ठीक है, नगीना, ठीक है, जो भी है। तो ये तीनों नाम हो गए। इसने 15 रुपये लगाया था, इसने 12 रुपये लगाया था, इसने 10 रुपये लगाया था। ये क्या है? इनकी पूंजी है। अच्छा, चलिए व्यापार शुरू हो गया 15, 12 और 10 रुपये लगाकर, लेकिन 1 साल की समाप्ति से 4 माह पहले, 1 साल की समाप्ति से 4 माह पहले, इसका मतलब क्या है? यानी व्यापार शुरू होने के 8 माह बाद। भाई 1 साल हम व्यापार में रहे और 4 माह पहले का मतलब है कितना समय बीत चुका था? 8 महीने। 8 महीने इसके 15 रुपये लगे रहे, सॉरी
इसके नहीं, नूतन के नहीं। हाँ, व्यापार एक वर्ष की समाप्ति से 4 माह पहले ललिता ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और नगीना ने दुगनी कर दी। इसका मतलब है कि नूतन के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो नूतन का पैसा पूरा साल लगा रहा, 15 रुपये पूरा साल लगा रहा, लेकिन ललिता ने 8 महीने तो 12 रुपये लगा रखा, लेकिन अगले 4 महीने के लिए अपनी पूंजी को आधा कर दिया। क्लियर हुए? व्यापार एक साल चला, व्यापार ख़त्म होने से 4 महीने पहले ललिता ने अपनी पूंजी आधी कर दी। ललिता 12 रुपये 8 माह के लिए और 6 रुपये 4 माह के लिए, क्योंकि पूंजी को आधा कर दिया अगले 4 महीने के लिए। नगीना का 10 रुपया 8 माह तक लगा रहा, लेकिन इसने शेष समय के लिए पूंजी को दुगना कर दिया, तो बचे 4 महीने के लिए इसने पूंजी को डबल कर दिया। तो नूतन में कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं, उसने 15 रुपये लगाया, पूरे साल लगा रहा, लेकिन ललिता ने अगले जो है 4 महीने के लिए पूंजी आधी कर दी और नगीना ने जो है दुगना कर दिया। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, पूंजी गुणे समय कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यहाँ अनुपात लग जाएगा। ये 12 8 96 हो गया, प्लस 6 4 24 हो गया, और ये 10 8 80 हो गया, और प्लस 20 4 80 हो गया। तो इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो 180 हो जाएगा। अब इन तीनों में संबंध क्या होगा, तो हम 0 0 सबके पहले कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 से कट जाएगा, इसको 9 रुपये मिलेगा, तो इसको 6 रुपये मिलेगा और इसको 8 रुपये मिलेगा। ये इनके लाभों का अनुपात हो गया। अच्छा, टोटल बिजनेस का लाभ 11,500 रहा, तो 11,500 बटे अनुपातिक योग 8 6 14 और 9 कितना हो गया, 23 हो गया। किसका पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया पहले व्यक्ति का नूतन का हिस्सा बताइए, तो 9 रख दीजिए, 23 5 115 और 9 5 4500 रुपये, आपका बढ़िया सा आंसर आ गया, 4500 रुपये नूतन को टोटल लाभ में मिलेगा। आपका सही आंसर डी है। तो इसको इत्मीनान से देखिएगा और इसको ऐसे ही करिएगा, बहुत ही धैर्य के साथ करिएगा, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर किसी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम दिया होगा तो मेरे ख्याल से ये जो आपका कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था उसी में से किसी पेपर का क्वेश्चन है, सामने आ गया, तो अच्छा सवाल था, डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या है, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया। सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया। जो भी उन्होंने पैसा व्यापार में लगाया, ये तो नहीं मालूम कि क्या राशि लगाई है, लेकिन हाँ 8 और 3 का रिलेशन है ये मालूम है। परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया बारह महीने की समाप्ति के बाद सुहास और नितिन द्वारा जो लाभ का बंटवारा किया गया उसमें 5:4 का अनुपात था, यानी 12 महीने की समाप्ति पर जो लाभ का बंटवारा हुआ उसमें दोनों का 5 और 4 का रिलेशन था। तो केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया, यानी नितिन कितने महीने व्यापार में अकेले रहा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर ये पता चल जाए कि सुहास कितने दिन रहा तो 12 महीने से घटा देंगे और पता चल जाएगा कि नितिन कितने महीने अकेले रहा। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि नितिन कितने महीने व्यापार में अकेले रहा, इम्पॉर्टेंट ये है कि सुहास ने कितने दिन बाद छोड़ दिया। अगर ये पता चल जाए कि सुहास व्यापार में कितने दिन रहा तो इससे 12 से घटाकर बता दोगे कि नितिन कितने महीने अकेले रहा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरफ हम सबसे पहले लिख लेते हैं सुहास एस से और नितिन को एन से लिख लेते हैं। इन्होंने जो पैसा लगाया है वो 8 और 3 के रेशियो में लगाया है, तो सुहास ने 8 रुपये लगाए थे, नितिन ने 3 रुपये लगाए। सुहास ने कुछ समय बाद बिजनेस छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिन तक रहा, तो 3 महीने तक रहा, जबकि नितिन पूरे 12 महीने बिजनेस में बना रहा। और जब समय की समाप्ति पर 12 माह की समाप्ति पर लाभ इन लोगों ने बांटा तो 5:4 का रेशियो बन गया। पूंजी गुणे समय लाभ, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ। अब यहाँ से हम टी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, जब टी की वैल्यू को निकालेंगे तो ये 8 और 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर हुए?
और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, 3 × 12 × 5 आ जाएगा। तो काट दीजिए 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 × 5 = 45/8 माह। इसी तरह लिखा रहने दीजिए, यानी सुहास कितने दिन व्यापार में रहा, सुहास व्यापार में रहा 45/8 माह। अब पूछा गया है कि ये नहीं पूछा कि सुहास कितने दिन रहा। देखिए 8 × 5 = 40, 5 सही 5/8, अगर कोई गलती करेगा तो ये आंसर लगा देगा। अगर इसको साल्व करोगे तो 8 × 5 = 40, 5 सही 5/8 माह नहीं आ जाएगा। लेकिन आपसे ये किसने पूछा कि सुहास कितने दिन रहा, आपसे पूछा गया नितिन कितने महीने अकेले व्यापार में रहा। तो व्यापार चला है 12 महीने, 12 से 45/8 घटा दो, तो 8 × 12 = 96, 96 में से 45 गया, 51/8 माह अकेले रहा नितिन। और 51/8 का मतलब होता है 8 × 6 = 48, 6 सही 3/8 माह। आपका सही आंसर ये होगा, यानी नितिन जो व्यापार में अकेले रहा तो वो समय जो था वो 6 सही 3/8 माह रहा। आपका जो सही आंसर बी होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में गलतियां हो जाती हैं तो इन पे नज़र रखिएगा, अगर कोई भी लाइटली इस सवाल को लेगा तो ए आंसर टिक कर सकता है। तो आज आपने ये जो 6 क्वेश्चन देखे हैं ये काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी इसका एक वीडियो और बताऊँगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, तो जो लास्ट वीडियो मैं आपको बताऊँगा उसमें भी 6 से 7 सवाल अच्छे जो होंगे जिससे आपका पार्टनरशिप पे बिल्कुल क्लियरिटी बन जाए। तो 6 से 7 सवाल या 10 सवाल 8 सवाल जो भी बनेंगे, उचित जो भी होगा, वो इसके 4th क्लास में बता देंगे। तो इस तरह से पार्टनरशिप आपका खत्म हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि चारों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।